अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल चल रहे हैं आपके? आई होप के आप सब ठीक ठाक फिर फारे वन होंगे। All right, जी मैं हूं आपके साथ हसनैन रज़ा, ऑल द वे फ्रॉम हिट हॉट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज FM 101। और आप इसे हम सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल सांबा स्टूडियो से। ओके जी, सबसे पहले हमारी आवाज इससे सुनी जा रही है इस्लाम और रावलपिंडी, पिशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, क्वेटा, हैदराबाद, कराची और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली आप हमें इस टाइम सुन रहे हो radio.joey.pk पर। इसके अलावा जी बहुत सारे दोस्त हमें इस टाइम मोबाइल इंटरनेट पे सुन रहे हैं radio.joey.pk/mobile पर। और अगर तो आप अपने रेडियो सेट से मोबाइल सेट पे सुन रहे हो, या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो और साथ आपने ट्यून इन किया हुआ प्योर पाकिस्तानी चैनल FM 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और जी सबसे पहले डे चेंज हो चुकी है, आज 5th of July 2022 ट्यूसडे स्टार्ट हो चुके हैं। हमेशा की तरह बहुत सारी दुआएं आप लिए, ट्यूसडे का सारा दिन आपको बहुत अच्छा गुजरे और उम्मीद करते हैं कि वीक का स्टार्ट जाने के मंडे आपको बहुत अच्छा गुजरा होगा जैसा कि आपने सोचा होगा। और अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों को अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर एक दिन अच्छा नहीं गुजरता तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिन भी अच्छे नहीं गुजरेंगे। सब कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। एनीवेज आई नो जिन लोगों के दिन जो है वो अगर अच्छे नहीं गुजरे पिछले, तो उसकी रीजन जो है गर्मी होगी। मेरी तरह मतलब अच्छे तो गुजरे, लेकिन फिर भी ये जो आजकल गर्मी चल रही है ना, ये बड़ी अजीब सी है। तो इतनी स्वेटिंग होती है और कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता। वो कल मैं कहीं पे एक बात पढ़ा था कि इस गर्मी और लोड शेडिंग में बंदे का मूछ नाती कार्ड वाली फोटो जैसा हो जाता है। मतलब कि जो लोग अपना जो CNSE बनवाते हैं, तो बाद में याद आता है कि यार पिक्चर तो अच्छी नहीं आई है, लेकिन उस टाइम तो कार्ड जो है बन चुका होता है। तो इसलिए बात जो है लोग अक्सर कहते हैं कि यार ये हमारा जो शनाख्ती कार्ड होता है उसके ऊपर पिक्चर अच्छी क्यों नहीं आती है। लेकिन रिसेंटली क्योंकि मैंने अपना जो CNSE है उसको मैंने रीन्यू करवाया, तो जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप देख ले अभी पिक्चर जो है ठीक है या और बनवानी है। तो अभी जरा मामला जो है बड़े बदल चुके हैं। एनीवेज अभी मैं शो करने आ रहा था, साथ साथ में फोकास देख रहा था, तो कहीं पे मुझे नजर आ रहा था कि आज शायद 1 बजे जो है हल्की हल्की बारिश हो सकती है। तो मैं सोचता था कि चलो यार मेरा प्रोग्राम भी है, अगर हल्की हल्की बारिश जो है शुरू हो जाएगी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग भी कहोगे कि मेरे प्रोग्राम में बारिश हो जाती है, लेकिन लेट्स सी कि ये हल्की हल्की बारिश जो है होती है या नहीं होती है। जी प्रोग्राम में साथ में आपको बता दें किस तरह प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लाइव कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 0511111011। और इसके अलावा आप प्रोग्राम में SMS मैसेज सेंड कर सकते हैं। अभी से मोबाइल फोन की SMS की ऑप्शन में जाइए, वहां पर लिखे 101 एक स्पेस दें, जो कि लाइफ में दूसरों को देना बहुत जरूरी होती है। अपना मैसेज नाम, शेयर का नाम लेकर 4471 पर अपने टेक्स्ट मैसेज आप हमें सेंड करोगे। और इसके अलावा फेसबुक पे हमारा ऑफिशियल फैन पेज आप ज्वाइन करो, अगर नहीं ज्वाइन किया हुआ www.facebook.com/FM101 Channel Pakistan, जहां पर आपको अभी के शो वाली पोस्ट नजर आएगी कि 12 to 2 AM आपका मेरा साथ रहेगा FM 101 इंटरनेशनल में। वहां पर अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और स्पेशली हमारे वो दोस्तों के पाकिस्तान से बाय इंटरनेशनल हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, आप फेसबुक के थ्रू इसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनीवेज प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करेंगे। सवाल तो एक पूछेंगे आपसे, साथ उसका फीडबैक भी आप मुझे दोगे, साथ आपकी लाइव कॉल्स होंगी, मैसेज होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। सो अभी मैं प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहा हूं और फर्स्ट ट्रैक मैं प्ले करने जा रहा हूं। कौन सा? अच्छा ये वाला ट्रैक प्ले करें। जी हाँ, फर्स्ट ट्रैक जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ ये है मुस्तफा जाहिद की आवाज में और ट्रैक कॉल बेखुदी। और मुस्तफा जाहिद के हवाले से तो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि बड़ा जबरदस्त उन्होंने अपने बालों का जो कलर है ना वो आजकल किया हुआ है। एनीवेज बेखुदी FM 101 इंटरनेशनल में एंजॉय कीजिएगा।
मेरा नाम हसनैन रज़ा, आपको मेरे साथ चलेगा ठीक रात के 2 बजे तक। जाना आपने कहीं नहीं, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं स्ट्रैक के बाद। ही सही ये प्यार ही तो है, दबी दबी सी गुफ्तगू मेरा भी तो है। प्यार ही तो है, दबी दबी सी गुफ्तगू में राज भी तो है। खुली खुली सी बात है, ये रात है जो खत्म हो, चली तेरे मेरे दर में आ, ये फासलों की खाक है। सांसों में रहता है मेरा, दूर जाना एक ख्वाब सा ही लगता है। ओ तेरा जिक्र अभी इन सांसों में रहता है मेरा, दूर जाना ख्वाब सा ही लगता है। तुझे देखकर मुस्कुराने लगे ये पल सारे हंसी लगने लगे। जानिब मैं चला लिसनर्स, आपको एफएम वर्मा इंटरनेशनल में वेलकम बैक कहते हैं और ट्रैक सुन रहे थे आप मुस्तफा जाहिद की आवाज में। एनीवेज जी, आज के प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है, सबसे आप पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं। आपने मुझे बता रहे हैं आज के प्रोग्राम में कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं क्या, प्रॉब्लम्स में आपकी क्या सिचुएशन होती है। मतलब कुछ लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े रिलैक्स होते हैं, यार मसले हल हो जाएंगे। So, और आजकल किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो आज के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम बात करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, मसलों को हल करने के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। आप कैसे हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और आजकल कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो आप। खुद ही सही ये प्यार ही तो है।
सो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, इसके अलावा फेसबुक पर www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। और मुझे पता कि आजकल एक प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा चल रहा है, और प्रॉब्लम ये है कि आज मतलब 5 तारीख हो गई है, 4 दिन रह गए हैं ईद में, और आजकल मसला ये चल रहा है कि बैल लिया जाए, दुम्बा लिया जाए, या बकरा लिया जाए, या बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि यार हिस्सा जो है वो डालना चाहिए। सो ये भी एक प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन लोग सोचते हैं इसके बारे में अपनी जेब के हिसाब से। सो और अच्छा कुर्बानी का जानवर जो है आपको मिल जाए उसको एफर्ट करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है, और अच्छे पैसों में मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। अच्छा कल हम ऑफिस में कुछ दोस्त जो है वो बात कर रहे थे कि एक टाइम हुआ करता था कि जब कुर्बानी का जानवर जो है एक एक महीने पहले जो आप खरीद लेते थे और उसको घर में रखते थे, सो एक मतलब पता चलता था कि कुर्बानी हो रही है। अब आजकल ट्रेंड जो है ना बड़ा बदल चुका है, आजकल ट्रेंड ये है कि बहुत सारे फार्म्स जो हैं बन गए, वहाँ पर कुर्बानी के जानवर पड़े होते हैं। मेरे अपने दोस्त हैं, उनके फार्म्स हैं, मुझे रेगुलर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, तो वो पूरा पैकेज जो है आपको बना के देते हैं, मतलब कि बकरा या वेड़ा सब कुछ जो है उस फार्म पर ही रहेगा, आपके घर में कुछ नहीं आएगा, मतलब सिर्फ ईद के फर्स्ट डे या सेकंड डे आपको पूरा वो जो पैकेज है वो गोश्त जो है बना कर आपके घर में डिलीवर कर दिया जाएगा। सो मतलब कि आपके घर में कुर्बानी का जानवर जो है वो 1-2 दिन पहले या 3 दिन पहले 4 दिन पहले नहीं आएगा, वो फार्म पर ही खड़ा रहेगा। सो चीज़ें जो है वो बड़ी डिफरेंट हो गई हैं, लोगों की प्रायोरिटीज़ बड़ी डिफरेंट हो गई हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्च कर रहे होते हैं कौन सा फार्म अच्छा है, किनका काम अच्छा है, गोश्त कौन अच्छा बना के देंगे, वक्त पे दे देंगे, डिलीवर कर देंगे। सो चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हो गई हैं अब, और लास्ट ईयर या उससे पिछले साल जो है हम इस बात को डिस्कस करते थे कि लोग जो है एक दो दिन पहले कुर्बानी के जानवर जो हैं लेते हैं। सो अब जो है इस साल और भी बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है कि जिस तरह फार्म्स की मैं बात करूँ वहाँ पर सब कुछ जो है जानवर भी वहीं पर होता है और पैकेज आपको ईद वाले दिन डिलीवर कर दिया जाता है। सो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ज़माना बदल रहा है, और लोगों के बिजनेस करने के अंदाज जो हैं वो बदल रहे हैं, कुर्बानी करने के अंदाज जो हैं वो बदल रहे हैं। अच्छा लोग तो ऐसा करते हैं, लेकिन मेरी जो अम्मी है उनका कहना ये है कि कुर्बानी का जानवर जो है घर पे आना चाहिए, और ये है कि पता चलना चाहिए कि हम जो है वो ईद जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उस कुर्बानी के जानवर को खाना पिलाना भी चाहिए, और ये है कि किसाई को घर पे आना चाहिए और सब कुछ घर पे होना चाहिए, तो मेरी अम्मी का कहना चाहिए है। और ये है कि मैं उनकी बात से एग्री भी करता हूँ, और लेकिन क्या क्या कर सकते हैं, आजकल जिस तरह का दौर चल रहा है, लोगों की सोच जिस तरह मैंने कहा कि बड़ी बदल चुकी है, सो लोग प्रेफर करते हैं कि यार बस सब कुछ जो है वो बना बनाया मिल जाए, हमें कोई एफर्ट ना करनी पड़े, बस हम पे ऑफ कर देंगे। एनीवेज ये प्रोग्राम में टॉपिक नहीं है, टॉपिक तो यह है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हम बात करें कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हो और आजकल क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे हुए हो, ये हमारे साथ शेयर करो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर। इसके अलावा फेसबुक पे पार्टिसिपेट कर रहे हो आप www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर, और ये है कि लाइव कॉल तो आपकी 12:40 के बाद प्रोग्राम में शामिल करेंगे हम 0511111001 पर। अच्छा वैसे हर साल जो है एक सवाल मैं पूछता हूँ बड़ी ईद से पहले, ये सवाल वैसी है, ये टॉपिक नहीं है, बस एक सवाल है कि कभी आपने नोट किया है कि ये दुम्बे जो होते हैं ये हर टाइम मुस्कुरा क्यों रहे होते हैं? अगर इसका जवाब आपको भी मिले तो मुझे बताइएगा। एनीवेज अभी नेक्स्ट ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ अली जफर की आवाज में, और ट्रैक है जूम का रिमिक्स वर्जन। अच्छा वैसे कल टिकटॉक के ऊपर अली जफर की मैं वीडियो देख रहा था, इस ट्रैक पे किसी ने वीडियो बनाई थी, सो अली जफर ने उनके साथ ड्यूट किया हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का। एनीवेज एंजॉय कीजिएगा, जो दोस्त से हम ड्राइव कर रहे हैं स्पेशली मोरवे हाईवे पे, आपसे हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग। I'm not afraid to die.
इंटरनेशनल में और आप मुझे बता रहे हो आज कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हो, मसलों को हल कर लेते हो आप, और आजकल कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में आप लगे हुए हो वो हमारे साथ शेयर करो और हमारे साथ पार्टिसिपेट किया ईदू ने, और आप कह रहे हो कि सलाम एंड वेलकम, थैंक यू सो मच आपका। और आप कह रहे हो कि आज बारिश हुई है कराची में और खुदा की कुदरत देखिए गुलशन एक बाल साइड पे धूप है और करंगी में भी कम, अच्छा करंगी में भी कम, क्या कम धूप या बारिश। अच्छा चलो अच्छी बात है, हल्की हल्की बारिश होगी, थोड़ा गर्मी का जोर जो है वो टूटा होगा क्योंकि ये जो मौसम है ये बड़ा तंग करता है ना। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि ये मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन हम जैसे लोग कहते हैं ये मौसम तंग करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा शाहनवाज हमारे साथ नौशहरा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप तो क्या कि आजकल हालात ऐसे हैं कि मच्छर बहुत है, लाइट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना पड़ता है यार, जिंदगी जो है वो नाम ही बर्दाश्त करने का है। सो करो मच्छरों को बर्दाश्त करो, थोड़ा दोस्ती कर लो मच्छरों से। अच्छा तैयब आफरीदी पिशावर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा आप कह रहे हो कि मेरी आवाज़ सुन के आपको 2011 की पाकिस्तान वर्सेज इंडिया की सेमीफाइनल याद आता है, और अच्छा स्पोर्ट्स का प्रोग्राम जो है। हाँ यार 2011 में मैंने तो बड़ी भड़ास निकाली थी जब सेमीफाइनल हम हारे थे, मुझे याद है, बिल्कुल याद है मुझे। और थैंक यू सो मच तैयब आफरीदी, आप इतना पुराना सुन रहे हो और आपने पार्टिसिपेट किया है, और आपने कहा कि कुर्बानी गांव की पुराने अंदाज वाली आप करते हो, अच्छा गुड है। अच्छा इसके अलावा जी पार्टिसिपेट किए फैसलाबाद से असद अली ने, फिर जियाउल्ला खान मियाँ वाले से पार्टिसिपेट करें। अच्छा आप वेट कर रहे थे, चलो थैंक यू सो मच आपका, आप रेगुलर लिस्टर बन चुके हो। अच्छा फिर जी पार्टिसिपेट किया है आसिफ ने मरी से, और आप कह रहे हो कि 1998 में आप रेडियो पाकिस्तान में काम करते थे और आप जो है वो तमाम स्टूडियो में घुमा फिरा करते थे। अच्छा क्या बात है, फिर तो बहुत सारी यादें जो हैं वो आपके दिमाग में इस टाइम घूम रही होंगी।
अच्छा, सानिया शायद रावलपिंडी से पार्टिसिपेट कर रही हैं, फिर मोहम्मद रमजान हैं, फिर फलक आजाद कश्मीर से हैं। आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। आपके मैसेज के जवाब में मैं इतना कहूँगा कि समटाइम्स ना लाइफ में प्रायोरिटीज जो है इंसान की बदल जाती हैं, कभी कभी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। आपने एक रिलेशन को बदलता हुआ देखा है, तो उसके हवाले से आपने बात की, मैं उसको डिटेल में नहीं मैं ऑन एयर करूंगा। मैं ये कहूँगा समटाइम्स जो है जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं इंसान की, समटाइम्स जो है प्रायोरिटीज बढ़ जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, और कभी कभी जो है जिंदगी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा कामों में फंसा देती है। आप रिलेशंस को उस तरह से निभा नहीं पाते हो, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता है कि कोई रिलेशन जो है वीक हो गया है, कोई रिलेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। आप यकीन माने, मेरे एक कॉलेज क्या स्कूल फेलो हैं, ऑस्ट्रेलिया से आजकल आए हुए हैं, तो आते सारे उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार हसनैन तेरे से लाजमी मिलना है। तो वो नहीं मिल सके लास्ट वीक, तो कल मैंने उनको मैसेज किया, यार किधर हो, तुमने तो मेरे से मिलना था लास्ट वीक। तो मुझे उन्होंने कहा, यार इस तरह मैं फैमिली के साथ में नथिया गली की साइड पे गया हूँ, तो मैं ट्यूसडे इवनिंग को आऊँगा, लेकिन फिर मैं स्टक हो जाऊँगा, पता नहीं मिल पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा। मैंने उसको कहा, यार मेरे से मिले बगैर ना जाएं। उसकी रीज़न ये है कि आई नो कि इंसान बिजी होता है, और मुझे उन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट के लिए भी मिला तो मैं लाजमी मिलूंगा। मेरे ख्याल से शायद 20 साल हो गए हमारी मुलाकात नहीं हुई। कभी कभी दिल कर रहा होता है आपको अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने का, उनके साथ गपशप लगाने का। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका वक्त बड़ा अच्छा गुजरा होता है, तो रिलेशन खत्म नहीं होते हैं। एनीवेज, ये ईदू वंस अगेन है। आप कह रहे हैं कि जी अच्छा, ठीक ठाक बारिश हुई है कुछ जगहों पर, मजा आया है, चलो अच्छी बात है, नहाए भी हुए नहीं नहाए, होता है ना कि जब गर्मियों की बारिश होती है तो भीगने का भी मजा आता है। अच्छा, फिर जी मैसेज आया है, कॉल मिलाने वाला नंबर थोड़ा आहिस्ता से बताएं ताकि मैं नोट कर सकूं। 0511100001। देखो मैंने इतने आराम से बताया, आप तो नोट कर लिया होगा। अच्छा फिर जी, फरिश्ता पेशावर से हैं, ट्रैक की रिक्वेस्ट की है, मेरे प्रोग्राम में रिक्वेस्ट जो है वो एंटरटेन नहीं होती हैं। आबदा इस्लामाबाद से हैं, आपने कहा है कि अच्छा चलो आपको शो अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच आपका। और अदनान हमारे साथ इस्लामाबाद से पार्टिसिपेट करें, आपने कहा है कि जी आजकल अच्छा लोगों के मसले हल कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब ऐसे भी लोग होते हैं जो लोगों के मसले हल कर रहे होते हैं, अपने मसले सॉल्व होते नहीं है लेकिन लोगों के मसले जो है वो हल कर रहे होते हैं, दोस्तों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छा, पिशावर से जी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, अपनी पॉकेट जेब पर काबू रखें और खर्चा कम करें। अच्छा, इस मसले को आप हल करने की कोशिश कर रहे हो कि खर्चे जो है कम करने हैं। अच्छा, मैं कल कहीं पे पढ़ रहा था, एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई थी, किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, और किस तरह हम जो है सेविंग्स जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक क्योंकि मैं कमेंट्स जो है पढ़ रहा था लोगों के, और उससे ये होता है कि आपको डिफरेंट ज़रा लोगों की सोच जो है वो पता चलती है। एक किसी ने लिखा हुआ था कि अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है ना, बजाय इसके कि आप खर्चे जो है कम कर दो, वही बात जो मैं अक्सर प्रोग्राम्स में कहता हूँ, आप अपॉर्चुनिटीज जो हैं ढूंढो और इसके ऊपर फोकस करो कि मैंने पैसे ज़्यादा कहाँ से कैसे कमाने हैं। आप जरिए ढूंढो किस तरह आप अर्निंग्स जो हैं कर सकते हो, बजाय इसके कि आप जो हैं वो खर्चे जो है अपने कम करते जाओ और बिल्कुल आप अखराज ज़्यादा अपने टाइट कर लो। मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी कि एक तो कंप्लेन ना करो, और कंप्लेन करने के बजाय आप सोचो कि आपकी अर्निंग वे ऑफ अर्निंग्स जो है वो किस तरह बढ़ सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जी आलिया सियालकोट से, आपने कहा कि मेरी फैमिली में जो प्रॉब्लम है इसमें अभी बहुत सन एंड फादर में कार लेनी है, जब बहुत कुछ हो रहा देन इस टाइम हैंडल। मुझे इतना ही समझ आया जिस तरह आपने मैसेज लिखा हुआ है कि वो गाड़ी की बात हो रही है। अच्छा चले जी, अगर आपके बेटे जो है गाड़ी लेना चाह रहे हैं, मुझे जितना समझ आया है, अल्लाह करे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, शुएब चानी हमारे से मुल्तान से हैं, आपने कहा कि भाई जान हाजिरी लगा दे, आपकी हाजिरी जो है बिल्कुल लग चुकी है, और
इसके अलावा हमारे साथ पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, लेट्स चेक इट आउट। आप मैसेज करते रहो 101xspace, मैसेज नाम शेयर का नाम लिखकर 4471 पर और साथ www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। उम्मीद भाज हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं। और अच्छा, आपने कहा कि आपकी सिस्टर की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू वर्ल्ड्स बेस्ट सिस्टर। और आपने लिखा कि खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है, जिस पे बस खुशियों का पहरा है, नजर ना लगे कभी इस रिश्ते को, क्योंकि दुनिया की सबसे प्यारी मेरी बहन है। ये बहनों का रिश्ता जो है ना, ये बहनें होती बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है। आप कहीं भी देखें ना, अगर घर में किसी घर में दो बहनें हो तो उनमें बड़ी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, बड़ी क्लोजनेस होती है, और एक दूसरे को कवर करती रहती हैं हर टाइम, एक दूसरे को प्रॉब्लम सॉल्व करती रहती हैं, एक दूसरे का काम करती रहती हैं। और जो छोटी बहन होती है उसकी तो शहाबत ही होती है, सारे काम वही कर रही होती है। अच्छा, इसके अलावा जी अवैस का हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच अवैस। आपका जोहा शेख हैं, थैंक यू आपका, आप प्रोग्राम जो है सुन रहे हैं। ओके जी, आप पार्टिसिपेट करते रहो। अभी मुझे एक ट्रैक प्ले करना है और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने जो क्यू किया हुआ है, ये आयमा बे की आवाज में, और ट्रैक है बेफिक्रियां। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिए एफएम 101 इंटरनेशनल।
कांग्रेचुलेशंस आपको वेलकम बैक एट एफएम मोरो इंटरनेशनल बेफिक्रिया आई एम बेकी आवाज में आप सुन रहे थे. एनीवेज ये आप मुझे बता रहे हो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे हो और जो है कि आजकल किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए वो मुझे आप बताओ के और पार्टिसिपेट करिए आप 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर. इसके अलावा www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान और लाइव कॉल्स में अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 051111111 पर. आपकी लाइव कॉल जो है साथ साथ प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे. मैं बड़ी देर से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ और मैं जब प्रोग्राम करने आता हूँ तो मैं एक चॉकलेट बार है वो अपने साथ लेके आता हूँ. सो पता नहीं क्या हुआ है वो इतनी सख्त हो गई है कि वो तोड़ी नहीं जा रही. सो मैं इस प्रॉब्लम को पिछले आधे घंटे से सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ और वो इतनी सख्त हो गई है चॉकलेट बार जो है कि बड़ी मुश्किल से टूट रही है और बड़ा मसला हो रहा है. सो अपने अपने लेवल के अपने अपने नौयत के प्रॉब्लम्स होते हैं. मेरा इस टाइम ये प्रॉब्लम है और खैर कुछ ना कुछ हो जाएगा. अच्छा जी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया सोनिया ने और आपने कहा कि ईद के शो करना है आपने. बहुत करम है अल्लाह पाक का. ठीक है इस्लामाबाद से आपने पार्टिसिपेट किया है. अच्छा जब आप ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है आप मैसेज लिख रहे होते हैं ना तो उसे उसको एक बार पढ़ लिया करेंगे आप क्या लिख रहे हो क्योंकि समटाइम्स यकीन माने कि बहुत सारे मैसेज रह जाते हैं वो इसलिए रह जाते हैं कि उसमें समझ ही नहीं आ रही होती कि आपने लिखा क्या है. तो जो टाइप कर रहे होते हो आप उसको एक बार देख लिया करो क्योंकि आप ही भी पैसे लग रहे होते हैं तो जरूरी है. अच्छा फरीसा पिशावर से हैं. आपने कहा कि मैं नाराज हो गई ऐसी रिजेक्शन. अच्छा ये सॉन्ग से रिक्वेस्ट की आपने बात की है ये तो रिजेक्शन क्या. ये तो मेरे प्रोग्राम का असूल है कि सॉन्ग से रिक्वेस्ट जो है पूरी नहीं होती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोग्राम इसलिए सुनते हैं कि उनकी पसंद के सॉन्ग्स जो हैं लगाए जाए. तो मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मतलब क्या आप सॉन्ग्स के लिए प्रोग्राम सुनते हो. सॉन्ग्स तो ऑलरेडी मेरी कोशिश होती है कि मेरी क्यू शीट जो है वो बेहतर हो और ये है कि अगर अपनी मर्जी के सॉन्ग्स आपने सुनने हैं ना तो उसके लिए यूट्यूब है दुनिया जहान के सॉन्ग्स पड़े हुए हैं सो वहाँ पर आप सुन सकते हो. तो इस चीज़ को माइंड ना कर लेना लेकिन ये एक सच है. हाँ समटाइम्स कभी साल में एक बार कभी ऐसा होता है कि मैं रिक्वेस्ट शो करता हूँ तो उस टाइम आप जो है वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हो कि आप क्या सुनना चाह रहे हो. अच्छा इसके अलावा जी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है ठीक है नहीं सॉन्ग से रिक्वेस्ट हुई है. दो तीन मैसेज मेरे पास सामने आए थे उसमें भी सॉन्ग लिखे हुए यार क्या हो गया आपको. अच्छा ठीक है लाइव कॉल्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 051111111 पर. आज एक ट्रैक है अभी मैंने जो है अपनी क्यू शीट में शामिल किया है. लास्ट प्रोग्राम में भी किया था लेकिन पता नहीं हुआ प्ले नहीं हुआ था तो मैंने कहा चलो यार फिर से कोशिश करते हैं इस ट्रैक को मैं शामिल करता हूँ क्यू शीट में. सो अभी मैंने ट्रैक जो है ताज़ा मंगवाया है. लेट्स सी कि आज जो है काम करेगा या नहीं करेगा. लेकिन फिलहाल आपकी लाइव कॉल जो है जरूर प्रोग्राम में हम शामिल करने जा रहे हैं 051111111 पर. देखते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में फर्स्ट कॉलर कौन है कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी कौन कहां से. रिफत इमरानी मुल्तान से. रिफत बात करिए मुल्तान से. कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं. जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. वैसे शो से पहले कुछ ठीक नहीं था लेकिन अब ठीक हूँ. थैंक यू सो मच. रिफत क्या करती हैं आप. मैं पढ़ती हूँ. फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है. फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना है तो टीचर्स आपको क्या कहते हैं. क्या आप कैसी हो आप. मैं वैसे तो नॉर्मल हूँ. मतलब नहीं नॉर्मल मेरा कहने का मतलब है कि पढ़ाई में कैसी हो. अच्छी है. क्लास में आपका बिहेवियर क्या होता है. शरारती हो नाराज रहती हो गुस्से में रहती हो हंसती रहती हो. कैसी स्टूडेंट हो. शरारती
शरारती और हंसती रहती हूँ। अच्छा, शरारती और हंसती रहती हूँ, किस तरह हंसती हो? जैसे हंसते जाते हैं। नहीं, किस तरह? थोड़ा बताओ तो सही, किस तरह क्लास में, किस तरह हस... कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनकी हंसी से सारों को ही हंसी आ जाती है। मैं जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं ना बिल्कुल वैसे से, और सारे मुझे कहते हैं कि ये तुम लड़के हो हैं, सारे तुम्हारी शरारते लड़कों वाली है। अच्छा, क्यों, ऐसी क्या शरारत करती है कि आप लड़कों वाली शरारते हैं? और मेरी टीचर भी मुझे यही कहती है कि वो अगर मैं मतलब बात करी तो मैं डेस्क के ऊपर बैठ के बात करती हूँ तो वो मुझे कहती है कि तुम जैसे शरारती करती है ना ऐसे लगता है जैसे लड़का आ गया। अच्छा, डेस्क के ऊपर बैठ के बातें करती हैं, वाह। और डेस्क पर और टेबल पर भी बैठ जाती थी। नहीं तो टीचर बहुत अच्छी थी, मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा जी, आप अपना नाम रख लें रिफत लड़का। नहीं मैं लड़की हूँ तो फिर लड़का क्यों रखूं। अच्छा रिफत, मुझे बताएं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कैसी हैं? मैं पहली बात मुझे घबराती बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो हो गया सो हो गया, और मतलब जो काम नहीं जिसका सलूशन नहीं निकलता वो हो गया सो हो गया और बाकी का सलूशन निकालने की कोशिश करती हूँ। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं कि बस अभी तो बात पूरी भी नहीं हुई थी, अभी तो असल बात पूछी भी नहीं थी और कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। चले कोई बात नहीं रिफत, दोबारा कॉल कीजिएगा तो आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सभा बात करिए, रावलपिंडी से। कैसी हो आप, ठीक ठाक हो? तो सभा मुझे बताएं कि मौसम, मौसम का नहीं पूछेंगे, मौसम तो सबको पता है कैसा है। मौसम ने असर बहुत छोड़ा मेरे ऊपर। अच्छा, वो आपकी आवाज से लग रहा है कि आपकी तबीयत जो है नासाज लग रही है। हाँ, मुझे टेंपरेचर रहा है पिछले वीक मतलब 2-4 दिन से। अच्छा चलें, तो क्या कहेंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कैसी हैं? प्रॉब्लम सॉल्व, मेरा तो काम ही प्रॉब्लम सॉल्व करना। अच्छा, किस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, लोगों के करती हैं या अपने भी करती हैं? तो मुझे बताइए ये जो आप, आपकी नेचर ऑफ जॉब है, सबसे ज्यादा किस किस्म के केसेस आपके सामने आते हैं? हाँ, ये मैं बताऊँ जो कंजर्वेटिव माहौल के जो पेरेंट्स होते हैं वही फिर वो बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा एक्चुअली देखिए हम अगर दरमियान का रास्ता इख्तियार करते हैं ना बच्चे के साथ तो वो फिर बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छा काम करता है। मतलब हम बच्चे को डांटे भी, हम बच्चे को प्यार भी करें और हम इसके साथ एक बच्चे से बात करें, लेकिन अगर हम उसकी अपब्रिंगिंग में हम अब लाड प्यार ले आते हैं तो चलें कभी
इसको टॉपिक बना के बात करेंगे, फिर आपसे सारी चीजें पूछेंगे डिटेल में। जरूर, मेरे पास बहुत सारे मसाइल हैं जो कम से कम मतलब मुझे लगता है कि मैं किसी हद तक किसी के शायद किसी प्रॉब्लम में मेरी प्रॉब्लम को सुनकर किसी की प्रॉब्लम तो सबा मुझे बताएं कि अपना कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसे आजकल सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं? मैं अपना प्रॉब्लम सच बताऊं, मैंने जॉब तो छोड़ दी लेकिन इतना बोर होती हूं कि मैं बता नहीं। क्यों जॉब क्यों छोड़ी? मुझे चेंज चाहिए था लाइफ में। अच्छा चेंज चाहिए था, जॉब छोड़ दी, यहाँ पर इतने लोग हैं वो जॉब जो है वो ढूंढने में लगे हुए हैं। मुझे मिल जाएगी ना, बहुत टैलेंटेड लेकिन मैं करना नहीं चाह रही। अच्छा खुद से करना नहीं चाह रही है, ठीक है। मतलब नहीं मैं चाहती मैं तो ऐसा काम करूं जो मेरी ये जो टीचिंग है और ये जो इससे हट के मतलब पहले इतना बोर हो गई समझ नहीं आता मैं सोचती मैं कहां जो मुझे मुझे अपना मसला की पहल करना मुझे ये समझ नहीं आता। ठीक हो गया, चले बोर हो गई। चले कोई बात नहीं, लाइफ में समटाइम्स बोर होना भी अच्छा होता है, आपको कुछ बहुत कुछ नया नया देखने को मिलता है। आपको ना अकेला भी बैठना चाहिए, कोई काम आप ना कर रहे हो उसमें भी आपको बहुत सारी नई सोचें जो है वो आपके दिमाग में आती हैं। समटाइम्स अल्लाह चाहता है कि आप जो है कुछ ना करो और बैठे रहो, और ताकि आपको ज़िंदगी का पता चले कि जो लोग फारिग बैठते हैं या तो वो बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं या तो उनके दिमाग जो है वो और बहुत सारे कामों में चलना शुरू हो जाता है। ये दो ही ऑप्शंस होती हैं आपके पास। एनीवे इसी नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? जी मैं रिजवान राजपूत बात कर रहा हूँ, पिंडी से। रिजवान कैसे हो यार, ये पिंडी क्यों कहते हो, रावल पिंडी क्यों नहीं कहते? रावलपिंडी है जो मैं पहले शुरू में ना 2014 में जब मैं एफएम पे कॉल करता था या मैसेज करता था तब मैं रावलपिंडी पूरा नाम लेता था, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि रावलपिंडी और पिंडी मतलब कि एक ही नाम है, कुछ शॉर्टकट में आसानी से पिंडी कह देता हूँ, ये बेहतर अच्छा। रहेगा, मसला ही हल कर दिया आपने। जी बिल्कुल, इसलिए फिर मैंने कहा पिंडी कह देता हूँ, पिंडी वैसे भी ज्यादातर मशहूर है तो मैंने कहा पिंडी अल्फाज ये बेहतर रहेगा, इसलिए। ठीक हो गया। तो रिजवान मुझे बताओ प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हो? प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं मतलब के ना कोई भी बड़े से बड़ा प्रॉब्लम है हो या छोटे से छोटा प्रॉब्लम हो मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं करता और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और हमेशा सॉल्व कर लेता हूँ, उसे हल कर लेता हूँ। बड़े से बड़ा भी कोई मसला हो मैं कोई परेशान हो रहा, टेंशन नहीं, मैंने कहा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई कत्ल नहीं हो जाएगा यहाँ पे किसी का, जो भी मसला है अल्लाह उससे बेहतर कर देगा, अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखें और कोशिश करें। मैं अपना मसला हल कर लेता हूँ अल्लाह का शुक्र है। तो आजकल कौन सा मसला हल करने की कोशिश कर रहे हो अपना? बस छोटे मोटे मसले होते हैं, कभी कोई काम का मसला होता है, कभी कोई घरेलू मसला होता है, घरेलू तो बहुत कम ही होता है, ज्यादातर काम का ही कोई ना कोई छोटा मोटा मसला होता है उसको ही मैं हल करने में लगा हुआ होता हूँ। और क्या कहते हैं कुछ दिन पहले बस एक क्या कहते हैं मेरे ताया वगैरह ना वो आए हुए थे गांव से, कोई उनका बाहर जाने का प्लान था तो वो डॉक्टर करवाने के लिए आए थे, उन्होंने कोई मुझे 20 या 30 फोन किए किसी के यहाँ पे रिश्तेदारों के घर पे आए हुए थे कि आप यहाँ पे आए, सब बुलाए, सब ने मुझे कॉल की, मैंने कहा मैं काम में बिजी हूँ मैं नहीं आ सकता, कहते नहीं हम आपका इंतजार कर रहे हैं आप आए यहाँ पे। अच्छा मैं आया, उसके बाद में जी वो मुझे मिले हैं और क्या कहते हैं उसके बाद में सब मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि जैसे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मतलब के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कराची हो हैदराबाद पूरे हर जगह पे सबसे ज्यादा मैं अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में फेमस हूँ, लेकिन उन्होंने एक काम मुझे छोटा सा काम उन्होंने कहा कि एक मतलब कि हमारा बेटा है वो ना कहीं दूसरी जगह पे गया हुआ, वो मान नहीं रहा, अभी तक वो आया नहीं, 2 साल हो गया। अच्छा प्लीज कॉल करें उसे और वो वापस आए, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं कॉल करता हूँ, कहते हैं कि नहीं आप हमारे सामने अभी कॉल करें, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं अभी कॉल कर देता हूँ, मैंने बहुत सख्ती से बहुत ज्यादा डांटा और मैंने इतना बुरा भला उनके मुंह के सामने बोला
और मजाल है कि उसने भी आगे मुझे जवाब दिया कि रिजवान भाई आप क्या कह रहे हो। मैंने कहा आप दफा हो जाएं, आप जल्दी अपने घर पे आएं, आपके माँ बाप परेशान है, आपको ख्याल होना चाहिए। नहीं तो क्या आप पाकिस्तान से बाहर चले गए या इधर पाकिस्तान में ही है? नहीं पाकिस्तान में थे, वो दूसरे किसी शहर में गए हुए थे। मैंने कहा आप आए यहाँ पे, कहते हैं ठीक है इंशाल्लाह मैं जल्दी यहाँ पे पहुंचूंगा। मैंने कहा ईद पे यहाँ पे मुझे पता चलना चाहिए आप यहाँ पे हैं, नहीं तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा। मतलब कि आपकी बात जो है लोग मानते हैं? बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। जिसको भी मैं कह दूं ना कोई काम ये करना है आपने, वो ही करके देंगे। गुड गुड गुड। कुछ लोगों में होती है ये पर्सनैलिटी, ऐसी होती है कि बिल्कुल। और मैं उनको पता है कि मैं ना झूठ बोलता हूँ, ना गलत बयानी करता हूँ, ना किसी के साथ गलत करता हूँ, ना इंसाफी करता हूँ। अगर उनके साथ भी कोई उनका भी कोई मसला होता है वो भी मैं हल करके देता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ तो वो भी करके देते हैं। गुड गुड। चले रिजवान, थैंक यू प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। All right, जी 051-111-111 पर आपकी लाइव कॉल्स हैं। एक कॉल जो है और प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? सनान भाई, ईदू बात कर रहा हूँ। ये ईदू क्या होता है? थोड़ी सी डिले वाइस आ जाती है ना, तो वही वजह से हो जाता है। वहाँ पे हेडफोन लगे हुए थे ना, तो यहाँ से आप पहले अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना, तो ये हो जाता है। अच्छा, कैसे हो आप, ठीक ठाक हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत। सच में आज तो वैसे मूड बड़ा अच्छा है आपका, बारिश हुई, बारिश को एंजॉय किया। जी जी, बहुत ज्यादा मजा आ गया सच में। ठीक हो गया। नहीं तो मुझे बताओ की कराची समोसे खाए, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मुझे बताओ कराची में हम टीवी पे देख रहे होते न्यूज में कि बड़ा पानी खड़ा हो जाता है, बारिश होती है, इतनी बारिश तो अभी नहीं हुई ना? जी जी बिल्कुल है। आज आपने हालत नहीं देखा था वहाँ के क्वेश्चन मेहमान का? नहीं मैंने बिल्कुल भी टीवी नहीं देखा कल। अच्छा, नहीं सोशल मीडिया पे भी चल रहे थे? नहीं लेकिन मैं किसी जगह पे स्टक था तो मैं इतना सोशल मीडिया भी यूज नहीं कर सका। अच्छा, मैं देखूंगा। अब आपने बताया तो मैं जरा शो के बाद घर जाते हुए देखूंगा। नहीं आज गदा टाउन क्वेश्चन है मेहमान, क्वेश्चन है अभी इस साइड पे बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई। नादरन बाईपास की बिल्कुल। तो मुझे बताओ ईदू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे हो? मैं बिल्कुल निकम्मा। वो तो वैसे मुझे पता था। नहीं क्या जब कोई मसला एकदम से सामने आ जाए तो क्या सोचते हो? मेरे से नहीं होते मसले हल कोई भी। नहीं क्या मोटे हल कर लेता हूँ, बड़े मसले हल नहीं होते। नहीं क्या माइंड में क्या आता है एकदम से? बस मेरे से होगा ही नहीं तो यही आ जाता है। अच्छा, मैंने कहा था बहुत ज्यादा निकम्मा हूँ। तो आजकल क्या मसला चल रहा है जिसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है मसला। कोई छोटा मोटा मसला भी हो सकता है, लाजमी नहीं कोई बड़ा मसला बताओ। नहीं वो भाई का मसला चल रहा है हॉस्पिटल का, तबीयत ठीक नहीं है, फिर वो प्रॉब्लम चल रहा है और कोई खास तो नहीं है। अच्छा क्यों, क्या हो गया भाई को? ब्लड कैंसर। ओहो, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। ये भी वैसे इसमें भी बड़ी फाइट करनी पड़ती है जिंदगी के साथ, बड़ा हौसला बनाना पड़ता है और हौसला देना भी पड़ता है। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा हौसला देना पड़ता है बाबी को और भाई को और घर वालों को, अम्मी को, सबको हौसला देना पड़ता है। जी बिल्कुल, वो तो मैं जाता हूँ ना हॉस्पिटल, वो मुझे पता है कि किस हालत पे जाता हूँ, लेकिन घर पे तो आपको पता होता है कि क्या हालत हो जाती है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसा ही है। ठीक हो गया ईदू, और क्या हो गया आप? अच्छा वो तो मैं कहना चाहूंगा इस्लामाबाद में हुई है बारिश में, वरना आप लोगों को तो मजा होते हैं हर मंथ हर एक दो वीक के बाद बारिश हो जाती है। आपको बड़ी रिपोर्ट्स हैं इस्लामाबाद की। नहीं मिल जाती है ना, मैं कभी कभार FM 101 इस्लामाबाद के लोकल शो भी सुन रहा हूँ। यार देखो अभी 1 बजे की फोरकास्ट थी, देखो 1 बजे बारिश होती है नहीं होती, और अभी आज हाँ और अभी अच्छा कल परसों जो है हल्की फुल्की बारिश की फोरकास्ट है, लेकिन ये ऐप जो है ना मोबाइल की, ये गलत भी बताती है। मैं जेलस हो रहा हूँ आप लोगों से। हम तो चाहते हैं आप जेलस हो।
नहीं कभी कराची में भी ज्यादा बारिश भेजा करे, वहाँ पे पंजाब वालों के मजे है माशाल्लाह। नहीं कराची में ज्यादा बारिश की दुआ हम इसलिए नहीं करते कि फिर पानी बहुत खड़ा हो जाता है। हाँ ये बात भी है, नहीं लेकिन मजा आ जाता है। मजा आ जाता है। उनसे पूछो ना कि जिनकी गाड़ियां बंद हो जाती हैं, मोटर बाइक बंद हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। मैंने तो वो कुछ वीडियोस पहले देखी थी, वो गाड़ियां तैर रही होती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा है कुछ इलाकों में। अच्छा ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, मैं कल परसों ऑस्ट्रेलिया में देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तूफानी बारिश हुई और बड़ा पानी खड़ा हो गया और बड़ा बुरी सिचुएशन थी। पूरी दुनिया में ऐसा होता। जी जी बिल्कुल, चाइना पे मैंने पिछले दिन वीडियो देख रहा था चाइना का, उसका भी यही हाल था। बिल्कुल। और हम बस कहते हैं पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है? नहीं पाकिस्तान में फिर भी कम है, अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं होते, इतना कम हो जाते हैं। लेकिन बाहर ममालिक पे आप देख लें कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो कितने जानी नुकसान भी हो जाते हैं। चलो थैंक यू ईदू प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। अच्छा मैं अस्नान भाई एक बात कह दूं। कह दो जल्दी से। नाराज तो नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि आप नाराज हो जाए ईदू ने क्या कह दिया, आज के बाद ईदू को बैन कर देना, कॉल भी नहीं लेगी। हाँ जी बिल्कुल कह दो, कह दो। हाँ हाँ बिल्कुल कह दो। अल्लाह हाफिज। और जी ईदू थे हमारे साथ कराची से और आपकी लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। आप मुझे बता रहे हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कैसे हो और आजकल कौन से मसले को हल करने में लगे हुए आप। 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पे आप पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। लाइव कॉल्स आपकी 0511111001 पर। अभी जी नेक्स्ट ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूं और इस ट्रैक को मैं दूसरी बार ट्राई कर रहा हूँ कि ये ट्रैक जो है वो काम कर जाए और मुझे लगता है कि काम कर गया है। ओके जी हारून की आवाज में मैं ट्रैक प्ले कर रहा हूँ। ट्रैक का टाइटल है लाई टू मी और बिल्कुल न्यू ट्रैक है। हारून काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस ट्रैक को। If it's the end, then I don't think I could ever make... Enjoy कीजिएगा and keep listening. There's one way for me to survive. You can just lie to me, baby. Tell me you're loving me, loving me, baby. Turn a blind eye, tell me a lie. 'Cause when you're holding me, baby, it feels so heavenly, heaven, so heavenly, heavenly, baby. I try and try but can't extricate. I feel my heart is nailed to the stake. This is much more than just heartbreak. You can just lie to me, baby. Tell me you're loving me, loving me, baby. Turn a blind eye, tell me I'm. When you're holding me, baby, it feels so heavenly, heaven, so heavenly, heavenly, baby. Only from you, I don't want the truth. You can just lie to me, baby. And my clock just won't stop ticking. Mi amor, it's no shock, this blood is dripping. And this heartache won't stop aching. Mi amor, caught in an earthquake, I am shaking. My savior, let love fill me. Me and what another failure would just kill me. Kill me, kill me. You can just lie to me, baby. Tell me you're loving me, loving me, baby. Turn a blind eye, tell me a lie. 'Cause when you're holding me, baby, it feels so heavy. Heaven, so heavenly, heavenly, baby. Only from you, I don't want the truth. You can just lie to me, baby. Tell me you're loving me, baby. Cause when you're holding me, baby. So heavenly, baby. Only
और वे जी लिसनर्स, आपको वेलकम बैक एट एफएम 101 इंटरनेशनल में हारून की आवाज में आप ट्रैक सुन रहे थे लाई टू मी, और अच्छा ट्रैक है। हारून के ट्रैक जो हैं वो सारे ही अच्छे होते हैं, और अभी पिछले दिनों कॉन्सर्ट जो है नहीं कर रहा, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कॉन्सर्ट जो है करो, लेकिन अपने काम की वजह से मैं कॉन्सर्ट जो है नहीं कर पाया, लेकिन अब जो है कॉन्सर्ट्स करना जो है स्टार्ट कर रहे हैं, और अपने मैनेजर का नंबर दिया कि जो जो चाहते हैं कि मुझे कॉन्सर्ट्स पे बुलाएं वो मेरे मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो हारून के पर्सनली मैंने बहुत पहले जो है कॉन्सर्ट्स जो है अटेंड किए हैं, बहुत एनर्जेटिक कॉन्सर्ट्स होते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं इनको। और अभी पिछले दिनों जो है अली हैदर जो है उन्होंने दोबारा रीमेक किया अपने ट्रैक को पुरानी जीन्स और गिटार, और उसकी एक म्यूज़िक वीडियो जो है वो रिलीज़ किया सोशल मीडिया पे, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया उसको, और बहुत आर्टिस्ट जो हैं उन्होंने अपना पॉजिटिव फीडबैक जो है इस ट्रैक का दिया है, और हम तो प्ले करते हैं इस ट्रैक को क्योंकि बड़ी ज़्यादा है इस ट्रैक से। अच्छा जी, नेमत गिलगिती हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो ट्रैक प्ले करते हो ना, अच्छा ठीक हो गया, सही है। हफ्जा हमारे साथ रावलपिंडी से हैं, आपने कहा कि रिक्वेस्ट टू ऑल लिसनर्स प्रे फॉर मी, आप बहुत वरीड हो, दुआ करें मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, चलें अल्लाह करे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, असद अली फैसलाबाद से हैं, और आपने कहा कि आज वो हमारे शहर यहाँ हर वक्त बारिश होती है, कभी बादल बरसते हैं कभी हमारी आंखें बरसती हैं। ओहो, ऐसा क्या हो गया कि जो आपकी आंखें बरसती हैं? बारिश का तो ठीक है, और मुझे याद है कि बचपन में जब फैसलाबाद में हम जिला कॉलोनी में होते थे वहाँ पर बारिश होती थी ना, तो इतना पानी खड़ा होता था कि उसके अंदर आराम से एक कश्ती जो है उसको चलाया जा सकता था। तो क्या जी, चले आपकी हम कॉल्स भी साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करते हैं 0511111011। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? मैं जावेद अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जावेद फ्रॉम इस्लामाबाद, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आपके टॉपिक के मुताबिक आपसे मैं मशवरा लेना चाहता हूँ कि 17 तारीख को मेरी भतीजी की शादी है। अच्छा, और मेरी बेगम और मेरे भाई की आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वो मेरी बेगम कहती है कि शादी पे ना मैं जाऊंगी ना मैं तुझे जाने दूंगी, और बच्चे भी ऐसे इसके माँ के पीछे लगे हुए हैं। मैं इस सिचुएशन से बड़ा परेशान हूँ, इसके बारे में कुछ मुझे बताएं। देखिए, मैं तो कहूंगा बैठ के सॉर्ट आउट करें, और खुशियों में शामिल होना चाहिए, बड़ा सिंपल सी बात है, खुशियों में दूसरों की शामिल होना चाहिए, और आपको जाना चाहिए और बैठ के आराम से बात करें, थोड़ा समझाएं, और मैं ये कहूंगा कि लाजमी जाए। इस्मान भाई, समझा समझा के थक गया हूं कसम से, रोता हूं मैं अकेला बैठ के। इतनी सीरियस बात हो गई है। हाँ जी। अब मैं इस बारे में क्या कहूँ, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि किसी तरह आप लोग अपने शादी पर जाएं और साथ जाना चाहिए आप लोगों को। मकान हमारा एक कमरा उनका, एक हमारा कमरा है। हाँ, एक जगह रहती है ना, तो कोई ना कोई सर्कुलेशन होती रहती छोटी मोटी। हाँ जी, तो ये इस मसले से मैं दो चार आजकल बड़ा सोचता रहता हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। बहुत ज्यादा ना सोचे, और अच्छा सा मूड करके ना बात करें, और आप देख लेना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप मुझे नेक्स्ट प्रोग्राम में बताओगे आप मुझे? ठीक है, चलो खुश रहो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी, समथिंग हो जाते हैं मसले, हम लोग बेसिकली ना ये सिर्फ इनके साथ नहीं है, जावेद भाई के साथ नहीं है, हमारे साथ भी होते हैं, हम छोटी छोटी बात को ना जिद बना लेते हैं, हालांकि इतना बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है, ये दोस्तों में भी चल रहा होता है, घरों में भी चल रहा होता है, जिद पकड़ ली बस जी, हमने ये काम नहीं करना, और कोई अगर किसी के साथ हमारी नाराजगी, हमने वहाँ पर नहीं जाना, उनके बीच में नहीं बैठना, उनसे बात नहीं करनी, और सालों साल लग जाते हैं, हालांकि वजह कोई भी नहीं होती, छोटी सी वजह होती है, और कभी अगर कोई सुलह करा दे, बैठ के उस जिद को ख़त्म करा दे, तो उसके बाद बंदा सोचता है यार बात ही कोई नहीं थी, तो ये काम पहले हो जाता तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। If you're so heavenly,
heaven, so heavenly, heavenly baby. Anyways, see, next caller, dekhte hain hamare sath kaun hai. 051-111-0011. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Assalam zada, kaise hain aap? Main bilkul theek thaak. Kaun baat kare, kahan se baat kare? Sir, Mohammed Bhutta Lahore Rada Town se baat kar raha hoon. Kaise hain aap, theek thaak hain? Alhamdulillah, Allah ka shukr, aap sunaye kaise hain? Sita to baitha mujal theek hain. Aapki dua hai to kuch ho sakta hai. Ha, Rabb aaj aapko salamat rakhe. Hazaron duaye aur nek manna. Bahut shukriya. To mujhe Bhutta sahab bataye ki maslon ko hal jo hai निकाल लेते हैं आसानी से? और सर, मसलों का हल करते करते तो सारी उम्र बीत गई है. एक एक मसला हल होता, दूसरा सामने खड़ा होता. हाँ, अब तो बूढ़े हो गए हैं. अच्छा, तो बाकी हर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ. एक मेरा दोस्त है, टेलर मास्टर है, तो आज मुझे कह रहा था यार मेरी कैंची नहीं काम कर रही. अच्छा. मैं क्या बाकी देव मुझे, तो मैं क्या, मैं अभी से कैंची मरी ठीक करा के ले आता हूँ. और मैं दफी बाजार में गया, तकरीबन कोई आधा घंटा बाद आके तो कैंची थी. जब कैंची तैयार होके आ गई ना, तो फिर कपड़े काटने लगा, तो कहना यार अब ठीक है, तुम्हारी मेहरबानी. मैं शुक्रिया यार. ते बाकी हो सके तो दूसरों के काम ज्यादा होना चाहिए, अपने भी करे खैर, औरों के भी होना चाहिए. हाँ बिल्कुल, दूसरों के काम तो बंदा करता ही है, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूँ कि कोई मसला जिंदगी में चल रहा हो जो आजकल हल करने की कोशिश कर रहे हो? बस जिंदगी फिर अपना प्यारे भाई, आपको पता ही है जिंदगी कैसे भी गुजरी है, गुजारनी है. अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए सोने का. नहीं, वो तो करना चाहिए, शुक्र अदा तो उठते बैठते करना चाहिए. हाँ, बाकी प्रॉब्लम है तो फिर लाइफ के साथ साथ आती जाती रहती है. चलें, थैंक यू, आपका खुश रहें. अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट जी, बूटा भाई बड़े पुराने लिस्टनर हैं और बड़ा पुराना जो है वो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप कौन बात करें, कहाँ से बात करें? मैं नुमान बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद. नुमान फ्रॉम इस्लामाबाद. आज इस्लामाबाद से बड़ी कॉल्स आ रही हैं. बस क्या करें, इस्लामाबाद वालों को मोहब्बत है. अच्छा नुमान, क्या करते हो आप? और साथ में स्टूडियो भी नजदीक है. मैं पाकिस्तान आर्मी से हूँ. अच्छा, पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक है आपका, तो ड्यूटी पे है इस टाइम? नहीं नहीं, अभी ऑफ है, कराची गया हुआ था, तीन चार हफ्ते उधर गुजारे, अभी आया हूँ. गुड, तो पाकिस्तान आर्मी से आपका ताल्लुक है, तो फिर तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी बहुत अच्छी होगी. बहुत ज्यादा, और मतलब कि स्पेशली अभी मैं इस टॉपिक पे यकीन करें, आपने टॉपिक रखा ना, तो मतलब कि प्रॉब्लम जो है ना मेरी लाइफ में, जो अपना पर्सनली प्रॉब्लम होती है ना, वो मुझे कोई नहीं, ठीक है. जितना आजकल जो प्रॉब्लम मैं पब्लिक में फेस कर रहा हूँ, तो स्पेशली लिसनर्स हो गए या सोशल मीडिया पे ना, तो अब लोगों को ये होता है कि भाई, और मैं एक बड़ा डीप किस्म का बंदा हूँ, मैं हर जगह टांग लगाता हूँ. अच्छा. अब लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मैं फोन क्यों यूज कर रहा हूँ, यार मैं एफएम क्यों सुनता हूँ, मैं जानबूझ के एफएम भी सुन रहा होता हूँ. अपनी लाइफ, मेरी लाइफ है भाई, मेरी मर्जी, मेरा फोन है, मैं अपने फोन को किस तरीके से यूज कर पाऊँ, ठीक है. कोई मुझे पैकेज थोड़े ही दे रहा है. हाँ. मैंने अपने तरीके से अपने चीजों को हैंडल करना होता है. अच्छा, एक बंदा ये कर रहा होता है ना, मैं जान मुझके यकीन करे, फिर मैं जो होते है ना फेसबुक में से अपने दोस्तों को कहता हूँ, यार मेरी आईडी से आप लोग कमेंट कर ले, मेरे पास टाइम नहीं होता. लोग समझ रहे होते कि यार मैं फ्री हूँ, असल में मैं फ्री नहीं होता, मेरे दोस्त लगे होते हैं मेरी जगह पे. अच्छा. मैं कहता हूँ कि मैं यार 24 आवर्स जो है मेरी हाजिरी होनी चाहिए हर जगह पे, ताकि लोगों को पता चले कि भाई कि वो अगर इतनी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे हटूं, क्योंकि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी मर्जी, मैंने जो करना वो तो मैं करूंगा. लोगों का तो अगर लोगों को बस नहीं चलता, वरना कसम खुदा की मैं सांस लेना भी छोड़ दूं. लोग तो किसी को किसी हाल भी खुश नहीं रहने देते. बिल्कुल, ऑब्वियसली ऐसे ही है. ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये रिज़क की तकसीम सिर्फ अल्लाह के पास है. हाँ. ये सबसे बड़ी बात है, वरना यकीन करे अगर इंसानी हाथ में होता तो आप बेहतर जानते हैं. ठीक हो गया. तो मतलब मेरी तरफ से तमाम लिस्टनर्स को, मैं भी किसी पे तंकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं टेस्ट कर रहा हूँ आजकल, ठीक है. और एक प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर पहले एक लगा हुआ था, एक प्रॉब्लम में बल्कि दो है, एक कोई और था और एक अखरोट तोड़ रहा था, तो मेरे कमरे से बाहर आवाज ना जाए, और टेबल के जो पाए नहीं होता उसके नीचे रखा, वो अखरोट निकल.
मेरे पांव पे आ गया। ओ अच्छा, चलो ख्याल किया करो। और नुमान थैंक यू प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। और मेरे तरफ से जितने भी वो अच्छा, अगर ये सॉन्ग अगर चला रहे शरीकन आग लग गई है, ये जितने लिस्टनर है मेरी तरफ से उनके लिए डेडिकेटेड है। चलो अगर अभी ना लगाया ना तो नेक्स्ट शो में, ठीक है? ये लाजमी करना चाहिए यार, यकीन करें ना कि मैं जब शो में आता हूँ मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं क्या मेरे जो जितने वो क्या कहते हैं मुखालिफ, मैं कहता हूँ यार उनको सराहना चाहिए भाई। चल चले ठीक है नुमान, थैंक यू आपने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा लोग जो है वाकई जो है आपको खुश नहीं रहने देते, मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हो आपको उससे खुशी मिल रही है, अगर आप एफएम सुन रहे हो, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हो, तो लोगों को क्या है यार। और दोस्त भी आके ना तंग करने लग जाते हैं समटाइम्स। दोस्त कहते हैं यार तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम यही काम करते रहते हो, हालांकि खुद ऐसे ही कर रहे होते हैं। आजकल तो हर बंदे को देखे वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है और मोबाइल फ़ोन में ऐप्स में लगे हुए हैं, जिस तरह सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, तो कभी कभी आप बैठे होते कहीं पे तो आपको एकदम से हंसने की आवाज़ आती है, हा 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 हा, तो पता चलता है भाई साहब जो है टिकटॉक पे वीडियोज़ देख रहे हैं और दोस्तों को सेंड कर रहे हैं। तो हर कोई ना बस मोबाइल फ़ोन में बिजी है और अपने अपनी तरह जो है उसको इंजॉय कर रहे हैं, तो करने दें इंजॉय यार, आपका बिल आ रहा है। एनीवेज नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहां से? जी साइमा बात कर रही हूं। जी साइमा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हां जी। ना पूछे ना पूछे, चलो नहीं पूछते। अच्छा मैं आज हैरान हूँ, हम मासूम लड़कियों के फोन ही नहीं उठा रहे, फोन कोई नाराजगी हो गया उनकी लड़कियों से? नहीं क्यों, शो की फर्स्ट दो कॉल जो है वो फीमेल कॉलर्स थी। चले चले वो दो होगी ना तो औरों का हक भी बनता है ना। नहीं तो मुझे कौन सा पता चल रहा होता कौन कॉल कर रहा है, मैं तो जस्ट अब तस्वीरें भी आनी चाहिए। तस्वीरें आनी चाहिए तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मतलब ये है कि शुरू से ना मेरी आदत है, मैं मतलब टेंशन नहीं लेती, गुस्सा नहीं करती कि ना ही दूसरों को परेशान करके खामोशी से मसले का हल निकालती हूँ, क्योंकि करना तो हमें खुद ही होता है, किसी ने गुस्सा नहीं देना होता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि दूसरों को परेशान किया जाए, मतलब पूरे घर को। ऐसा अक्सर मैंने देखा है लोग होता है, इतना बड़ा मसला नहीं है, अच्छा बड़े बड़े मसलों पर नहीं इतना गुस्सा बोल रहे होते, लेकिन अगर कोई छोटा सा मसला होता है तो उन्होंने पूरा घर सर पे उठाया होता है, मतलब बच्चों को बीवी को सबको परेशान किया होता है घर में। और ऊंचा ऊंचा घर में बोल रहे होते हैं अगर कोई मसला आ जाए। हाँ, मतलब क्या पूरे खानदान में अगर कोई उनसे फोन करे तो नहीं जी मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसे परेशान होने से मसले हल हो जाए तो सारी दुनिया ही हो जाए। बस वो हर एक का एक मेंटल लेवल होता है ना, कुछ लोग बड़े स्ट्रांग होते हैं, उनको वो कहते हैं यार मसला आ गया बस कोई गल नहीं अभी खत्म हो जाएगा, तो होना भी चाहिए आपको जिंदगी में, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम आते हैं, आपको इतना मजबूत होना चाहिए। अच्छा मजबूत होना चाहिए, अगर सारे इस तरह कहने पे मजबूत हो जाए ना तो क्या ही बात है। अगर आज तो मैं हैरान हूँ, आज तो आपके फेवरेट सिंगर पिंडी आए हुए थे, वहाँ गए। मेरे कौन से फेवरेट सिंगर? आतिफ असलम। हाँ मैंने देखा था, जो उनको लेके आए हुए थे वो भी मेरे जानने वाले हैं, लेकिन ये है कि मेरा जाना तो नामुमकिन था इसलिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था। बस लोग क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। हाँ क्रिकेट भी है और थोड़ा आतिफ असलम की वजह से भी मैंने सुना है वहाँ बहुत ज्यादा क्राउड था। नहीं बेसिकली रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं उनके बीच जो है वो मैच, टीवी आर्टिस्ट जो है उनके बीच मैच, हाँ तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो वहाँ पर आए हुए थे उनको देखने के लिए। चलो अच्छी बात है, एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को जाना चाहिए। बल्कि मैंने आपसे भी कहना है कि ये ऐसे 101 वालों को भी ना ऐसा कोई इवेंट करना चाहिए जिसमें लिसनर भी आए और आपने फेवरेट चार्जेस से आसानी से मिल सके। होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए लेकिन होता नहीं है। अभी आपने वो दुबे वाली बात की ना, तो एक मसला मेरे दिल में भी बचपन से है कि हर घर की ये कहानी है, अभी तक मैं सुनती आ रही हूँ कि आज घर में क्या पकाए, इसका भी कभी कोई हल नहीं हुआ, आज घर में क्या बनाना चाहिए। हाँ।
ये आपने भी सुना होगा यकीनन। मैंने इसका मैंने मैंने इसका मसला ही हल किया हुआ। अच्छा, वो तो नहीं दिन ट्वाइस किए होते। नहीं, मैंने इसका मसला हल किया हुआ है क्योंकि मैं अपना स्पेसिफिक खाना जो है साइड पे ला के रखता हूँ और मैं वो ही लंच में खाता हूँ और वही जो है मैं डिनर में खाता हूँ, तो मैंने ये स्यापे ही खत्म किए हुए हैं जिंदगी से। आपकी सेहत का भी अंदाजा हो जाता है। बस वो कभी बहुत अच्छी हो जाती है, कभी बहुत डाउन हो जाती है। और अभी आप कह रहे हैं तो आजकल तो सिर्फ बकरे और ये चीजें वीडियोस पे देख देख के खुश होते रहे, जैसे हालात है। अभी मैं देख रही थी बछड़े की जोड़ी है और यकीन करें कोई वो है भी नहीं, लेकिन वो 12 लाख की है, मतलब 6 लाख में तो एक मेहरान आ जाती। मैं वही अबू से कह रही थी मतलब मेहरान मेले से, तो देखे वक्त कहा जा रहा है। मतलब हम 1 लाख रुपया तो कोई चीज ही नहीं थी ना, जैसे 100 रुपए की अहमियत होती थी, 1000 रुपए की। नहीं, 12 लाख तो आप कम बता रही हैं। यहाँ पर अभी आप टीवी पे देखेंगे 50-50 लाख की जोड़ियां भी आपको नजर आएंगी। हाँ, 70 लाख का। और ये मुझे चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि हम घर बैठो और आपको बना बनाया गोश्त आ जाए, मतलब वो कुर्बानी मुझे नहीं अच्छी लगती। ऐसे ही वाली बात सही है, ऐसा ही है। बस वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं ना लोग, लोग आसानियों आसानियों की तरफ जिंदगी को लेके जा रहे हैं, जान छुड़ाते हैं कि कौन संभाले और कौन करे। चलो आ जाते हैं घर, ठीक है, आप बीच में जरूर आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी सहमत ही हमारे साथ, और नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। 0511111011 पर अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से? से जी जारा, कैसी हो आप? ठीक ठाक हो अल्हम्दुलिल्लाह। और आप बता रहे थे क्या हो गया था आपको शो से पहले? क्या पूछ रहा था? मैं कह रही हूँ क्या हो गया था आपको शो से पहले, आप कह रहे थे क्या हो गया था? मुझे क्या हो गया था? मुझे लगता है कि वो आज मौसम ऐसा था ना कल के, ठंडा गर्म कुछ हो गया था तो सर में शदीद दर्द शुरू हो गई थी, तो मैं वही सोच रहा था यार मेरे सर में इतनी आसानी से दर्द होती नहीं है, ये मुझे क्या हो गया। आज रात में मेरी तबीयत बहुत खराब थी लेकिन अब ठीक हुई है। चलें, अच्छी बात है आपकी तबीयत ठीक होगी। क्या कहना चाहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसी हैं आप? मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छी हूँ, मतलब जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया तो अच्छी हो गई। पहले तो मैं छोटी टेंशन पर जाती थी यार, क्या होगी, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो जाती थी और मैं टेंशन पर पड़ जाती थी, लेकिन अब मैं सजेशन दे रही होती हूँ सबको कि यार कुछ नहीं होता, रिलैक्स करो, अल्लाह तो है ना, और कोई नहीं। तो ये काफी फायदा वैसे रेडियो सुनने से मुझे बहुत मिली एक लिहाज से, और दूसरा ये है कि आप सब ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, तो आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेती हूँ और कुछ छोटे प्रॉब्लम होते हैं ना जो मैं कर सकती हूँ, बाकी मामा को भी सिचुएशन दे रही होती हूँ, और लेकिन समटाइम कोई लोग ज्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं तो उनको तो फिर बड़े ही सॉल्व करते हैं। तो आजकल कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने की आप कोशिश कर रही हो? मैंने कोशिश जो की है वो सिस्टर के जो खाने का प्रॉब्लम था थोड़ा सा वो इंटरफेरेंस लोगों की, तो मैं कहती हूँ अच्छा मामा हमें क्या है लोगों की परवाह करने की। मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ ना यार मुझे बता रही है तो छोटी सिस्टर को बताती तो ना मामा को बताया तो ना बाबा को बताया तो फिर भाई मसले और ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, जब मामा तो मेरी इतने सख्त है तो फिर मैं लेकिन यह है कि वो चीज ये बताती है बस मामा को बताने ही बताने 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 वो बताती है, फिर आप पता है ना फिर मामा अगर पहला सख्त है वो अच्छी नहीं थी तो फिर सुखरागन को भी गलत समझ लग जाती है। अच्छा आपकी मामा जो है वो बहुत सख्त हैं, ठीक। अच्छा तो शुक्र है सख्त है वरना आप पता है बहुत सारे लोग हैं ना वो तो कुछ समझे ही नहीं हमारे, क्योंकि बाबा को इतना इसी ले जाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले अच्छा, एक मैंने आपसे सजेशन ले ली थी, अगर कोई आपको इग्नोर करे आपकी गलती ना हो लेकिन आपका प्यारा हो तो मतलब आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, आप जब उसे मैसेज करते हो तो वो आपके मैसेज को इग्नोर करता हो तो आपको क्या करना चाहिए? कोई आपको इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए? जी चले मैं इसको ऑन एयर बताता हूँ, ठीक है। वो मेरे भाई है
अच्छा, इसका जवाब मैंने भी शो के स्टार्ट में भी दिया था, इस तरह का मैसेज मुझे आया था कि समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी इतनी बढ़ जाती है ना, कुछ टाइम के लिए हम स्टक हो जाते कहीं पे, तो हम दूसरों को ऐसा लग रहा होता है जैसे हम उनसे दूर हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, थैंक यू, आपने मेरा मसला हल कर दिया, वरना मैं तो टेंशन पड़ गई थी भाई, मुझे भूल ही गए और इग्नोर कर रही हूं। नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं है। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, आपकी लाइव कॉल्स हैं 051111111 पर। अच्छा, अभी एक मैसेज आया था मुझे कि आपके शो की रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो यूट्यूब पे क्यों नहीं होती हैं। अच्छा, इस बात की मुझे भी समझ नहीं है, यूट्यूब पे एक चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रेजेंटर्स की रेगुलर जो है वो अपलोड्स हो रही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स जो हैं, और आई डोंट नो कि वो चैनल कौन रन कर रहा है। मेरे ख्याल से मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, जिसकी वजह से वो मेरे प्रोग्राम्स भी अपलोड नहीं करते, तो मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। तो इसका जवाब यही है, तो हो सकता है कि कोई लिस्टर हो सकता है कोई रेडियो के ही मैनेजमेंट में से कोई हो जिन्होंने वो चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि बड़ी फ्रिक्वेंटली वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो सारी जारी होती हैं। तो मुझे तो पिछले दिनों किसी ने लिंक शेयर किया था तो मैं देख रहा था, तो आपके सवाल का जवाब यही है कि आई डोंट नो। और ये है कि मैंने तो कहा हुआ है कि कोई लिसनर अगर रिकॉर्ड कर रहा होता तो उसको अपलोड यूट्यूब पे कर दिया करें। अच्छा चलें जी, मजीद आपकी लाइव कॉल्स हम कुछ ही देर में प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आप पार्टिसिपेट करते रहो। 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेख है नाम लेकर 4471 पर। इसके अलावा www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर आपके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट रैग जी प्रोग्राम में कौन सा प्ले करने जा रहा हूँ, जी हाँ, आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है उमेर जसवाल की आवाज़ में, और ट्रैक है, जी हाँ, ट्रैक का टाइटल है गागर। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा। मेरा नाम हुसैन रज़ा, आपका मेरा साथी का ठीक रात के 2 बजे तक। पिछली 8 को आज मेरात को तेरी गली से मैं गुजरा था, कड़क धूप में और तेरे रूप ने मेरे दिल को यूं जकड़ा था। एक कटोरा छलकता किरणों सा दमकता, तेरे हाथों में मुझको है याद। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। आज पीर है ओ दिल चीर है, उन यादों में अटकी है जान। बरखा भी था ओ नदिया भी था, वो घूटता एक तूफान। एक कटोरा छलकता किरणों सा दमकता, तेरे हाथों में मुझको है याद। मैंने तुम्हारी घाघर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। ये तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग गोरी, तुम वो दिन याद करो गोरी, तुम वो दिन याद करो। ये तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग गोरी, तुम वो दिन याद करो गोरी, तुम वो दिन याद करो। घर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। वो पिछली 8 को वो जुमेरात को तेरी गली से मैं गुजरा था, कड़क धूप में
तेरे हाथों में मुझको है याद, मैंने तुम्हारी रागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं। इंटरनेशनल में आप मुझे बता रहे हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हो और आजकल कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो आप। ओके जी, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है जरीश राजपूत ने। अच्छा, आप इस्लामाबाद से पार्टिसिपेट करिए, थैंक यू आपने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जी खुशबख्त एजाज हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में और अच्छा आप बड़ी बेटी हो और आपके पेरेंट्स और फैमिली जो हैं आपके मशवरे जो हैं सुनते हैं और उनको अप्लाई करते हैं सिचुएशंस के ऊपर और ये काफ़ी हेल्पफुल जो हैं होते हैं। अच्छा, गुड है, मतलब अच्छी बात है, आपकी बात जो है सुनी जाती है और बात उन्हीं की सुनी जाती है कि जो अच्छा सोचते हैं और जो अच्छा सोचते हैं उनकी बात सुनने को दिल भी करता है। अच्छा, इकरा अली पार्टिसिपेट करिए। आप देखिए, मैं पहले पैनिक होती थी और फिर फिगर आउट करती हूँ कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, पहले पैनिक हो जाती हैं और होता है समटाइम्स प्रॉब्लम कोई एकदम से हमारे सामने आ जाती है तो हमें कुछ आधा घंटा एक घंटा समझ ही नहीं आती कि करना क्या है और उसके बाद फिर एकदम से हमें दिमाग चलना शुरू हो जाता है कि यार इसको इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि उनके ऊपर एकदम से प्रॉब्लम कोई आती है ना, वो फ़ौरन से अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं यार हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, अभी इसका हल निकला है। कुछ लोग इतने एक्टिव माइंडेड होते हैं। अच्छा, किरण हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए। आप देखिए, मैं हर प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर लेती हूँ, ज़्यादा सोचती नहीं हूँ, ये हो गया है अब क्या होगा, चिलनेस होनी चाहिए लाइफ में और मुझे लगता है कि खुश रहना चाहिए आपको। वो तो सबको लगता है कि खुश रहना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग जो है इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं कि एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स जो हैं आती जाती हैं और समटाइम्स आप सोचते हो कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और यकीन माने कि ये अल्लाह मियां के इम्तिहान होते हैं और इसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपके लिए होता है और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ जो चेंज करनी होती है अल्लाह मियां ने, इसलिए वो आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और ये आपको कुछ टाइम के बाद आपको समझ आता है कि यार कि ये प्रॉब्लम जो है हमारी लाइफ में क्यों आए थे। याद करो गोरी तुम वो दिन, याद करो ये तेरे काजल का रंग हुआ था मेरी आंखों के संग। ओके जी, साथ साथ आपकी लाइव कॉल जो है प्रोग्राम में शामिल करते हैं। देखते हैं हमारे साथ 111-111 पर कौन है, कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? मैं वापस आ गई। वापस आ गई, किधर गई हुई थी आप? वो कॉल ड्रॉप हो गई थी। कॉल ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, नाम दोबारा बता दें आप। रिफत इमरानी। रिफत बात कर रही है मुल्तान से। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा था, मुझे बताएं कि आजकल कौन सी प्रॉब्लम का सामना कर रही हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं? वैसे पहले मैं कौन सी बात कही थी, हाँ पहली बात तो ये कि मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं और अगर स्कूल में मोस्टली आ जाती थी और अगर आ जाती थी तो एकदम क्या रहे फिर सॉल्व नहीं कर सकती थी। एकदम एकदम से सामने आ जाए फिर सॉल्व नहीं कर सकती, बिगड़ जाती हैं। अच्छा, एकदम से मतलब आप पैनिक हो जाती हैं? जी बिल्कुल, और वरना मैं टेंशन नहीं लेती और सोल्यूशन निकालती हूँ। सोल्यूशन ओरिएंटेड है, सोल्यूशंस की तरफ जाती हैं आप? जी, और बाकी जो आज के वैसे चल रही है वो मैंने बच रही इसके लिए अपनी जो है मैचिंग चूड़ियाँ और कुर्ता नहीं वो अम्मी को बना रही हूँ बाजार ले जाने के लिए। नहीं तो अम्मी क्या कह रही है? वो गर्मी बहुत है ना, तो मामा कहती हैं कि नहीं आज बहुत ज्यादा गर्मी है तो घर में बैठो।
चलो आपकी अम्मी ने ये तो नहीं कहा ना बहुत महंगाई है छोड़ो इस बार? नहीं मम्मा ने कहा कि ना दो ईद के दो दिन पहले जाएंगे, वो मैचिंग नहीं मिलते ना, इसलिए मैंने कहा पहले जाएंगे। ठीक हो गया, चलो चलो आपकी अम्मी ले जाएंगी। जी ले देंगी इंशाल्लाह। खूब खर्चा कराना अम्मी का। और क्या। असल में बात ये थी कि पिछली दफा हमारे रिलेटिव में डेथ हो गई थी जिसकी वजह से सेलिब्रेट कर सके, तो इस बार फिर थोड़ा ज्यादा ही, मतलब अम्मी ने कहा, मैम ने कहा कि नहीं हम शॉपिंग फुल करेंगे। चलो अच्छी बात है, ईद को फुल सेलिब्रेट करना और ये है कि अच्छे से मनाना ईद। ठीक है जी। ओ वरना जो बात कर रही थी ना कि मतलब घर में करनी चाहिए, तो वाकई मतलब घर में करनी चाहिए, ज्यादा मजा आता है इससे। हाँ बिल्कुल, कुर्बानी का जानवर घर में होता है तो और एक माहौल और बन जाता है। जी जी बिल्कुल, और बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक हो गया, चलो थैंक यू रिफत, अपना ख्याल रखना। और ना मानी भाई को और शानी भाई को ढेर सारा सलाम, वैसे मैंने चेयर भी पढ़ना था। वो भी आपने उनके लिए पढ़ना होगा, पढ़ दें जी। वैसे मेरे प्रोग्राम में अलाउ नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपने बोल दिया तो पढ़ लें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने तो कहा पढ़ लें। अच्छा नहीं, उन्हीं का है, मोहब्बत में असूलों की बात करता है, मोहब्बत में असूलों की बात करता है, उस्मानी कमाल करता है। ठीक हो गया, चलो। और आपके लिए बेस्ट विशेस, और मानी भाई के लिए भी और शानी भाई के लिए भी। चलें ठीक हो गया, चलें। अच्छा मुझे ना वो कहना था, फानी भाई की ट्रांसमिशन भी नहीं आती। क्या चीज? फानी भाई की ट्रांसमिशन नहीं आती। किसकी? वो इरफान कुरैशी नहीं है, उनकी ट्रांसमिशन नहीं आती। अब मैं इधर ट्रांसमिशन ठीक करने तो नहीं आता ना। आप यहाँ पे, लेकिन आपकी टीम पसंद ही होगी ना। नहीं, इसके लिए आप ड्यूटी रूम पे आप कॉल कर सकती हैं। अब वैसे आप अगर बता दें नंबर, आप 051-921-211 पे कॉल कर लें। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपके लिए बेस्ट विशेस। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, 051-111-111 पर कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ, कहाँ से पार्टिसिपेट करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? निम्रा फ्रॉम रावलपिंडी। निम्रा फ्रॉम रावलपिंडी, कैसी है निम्रा, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस सोच रहा हूँ कल से मेरी दौड़े लगने लगी हैं ईद से पहले, मतलब के बड़े बिजी दिन है, क्या कैसे करूँगा मैं। और मेरे पास तो इतने दिन है कि मैं कह रही हूँ कि जल्दी से ईद आए और फिर उसके बाद पेपर फोकस खत्म हो जाए। अभी पता है हमारा पेपर भी कैंसिल हो गया। क्यों? ईद की वजह से। ओए होए होए, तो अब क्या करेंगी? अब वेट कर रही हूँ, पता है हमारा ना स्पोर्ट्स कैंप लग रहा है, तो मैं कराची जाने के लिए इतनी एक्साइटेड थी, तो अब पेपर जो है ना वो दो दिन और आगे चले गए। अब दुआ करें कि अगस्त के स्टार्ट में लग जाए और जुलाई के लास्ट वीक में ना लग जाए। अच्छा हाँ। नहीं तो मुझे बताएं कि ईद पे कुर्बानी के जानवर क्या क्या ले रही है? दुम्बा लेंगी, बकरा लेंगी, बैल लेंगी? मैं तो हॉस्टल में, अभी मैंने मुझे नहीं पता, मैं कल घर जाऊंगी फिर मामा से पूछूंगी कि आप लोगों ने क्या डिसाइड किया है। वैसे आपको क्या पसंद है? मुझे तो गोश्त बिल्कुल नहीं पसंद है, तो खाती ही नहीं हूँ वैसे। हाँ बकरे के साथ खेलना अच्छा लगता है, मतलब ईद से पहले उसके साथ जो मतलब होती है वहाँ। मुझे बताएं कि आजकल की जनरेशन जो है गोश्त क्यों नहीं खाती? वो मुझे नहीं पसंद, बस वो अजीब सा होता है। अजीब सा होता है? नहीं मतलब वो, मैं तो कैसे बताऊँ, मुझे चिकन भी नहीं पसंद, लेकिन बस चिकन खाती, गोश्त नहीं खाती। चिकन भी नहीं पसंद, गोश्त भी नहीं पसंद, तो फिर आप क्या पसंद है, दालें खाती हैं? नहीं नहीं नहीं, ओनली राइस। मुझे सच्ची पहले पता था आपने ये कहना है, लड़कियां कुछ भी नहीं खाती, लड़कियों को बस बिरयानी खिला दो, पुलाव खिला दो, बस यही जिंदगी है। राइस होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दाल चावल भी चलेंगे। इसलिए माशाल्लाह आजकल लड़कियों की सेहत जो है वो माशाल्लाह होती है। पता नहीं, ये तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन पता नहीं। अच्छा पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, तो मुझे बताएंगे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व, आजकल किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हुई है?
आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस घर जाना है, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी कि मैं हॉस्टल में हूँ ना। तो बस मैं कह रही थी जल्दी से मामा के पास चली जाऊँ। चले कोई बात नहीं, टाइम का पता भी नहीं चलेगा, पेपर भी हो जाएंगे, छुट्टियां भी हो जाएंगी, आप चली भी जाएंगी इंशाल्लाह। बस आपने दुआ कर ली कि मैं कराची चली जाऊँ। चलो चलो, अल्लाह करे कि आपकी विश जो है, ख्वाहिश जो है पूरी हो जाए। आमीन। चलो थैंक यू, अब तो ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। और एसएमएस मेरी फ्रेंड सुन रही है, बिशा सुन रही है, शमाला सुन रही है, हाजर सुन रही है, सारे वजह सुन रही है, किरण सुन रही है, सबा भी सुन रही है, और भी बहुत सारी फ्रेंड सुन रही है, उन सबका सलाम। चलो ठीक है, आपका सलाम पहुंच गया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी एक कॉल जो है और प्रोग्राम में शामिल करते हैं, 051-111-0011। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? शुमैला फ्रॉम रावलपिंडी। शुमैला फ्रॉम रावलपिंडी, बड़ी एक्टिव है आप इस टाइम। बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझसे पहले मेरी फ्रेंड की कॉल मिली है। अच्छा, मतलब कि उसे कही जा रही हूँ बंद करो बंद करो बंद करो, बंद ही ना करे। अच्छा, आप लोग साथ बैठे हुए, आप निमरा की बात कर रही हैं? मतलब कि फिर तो वो आपके साथ बैठी हुई है, आपको लाइव सुन रही होंगी, आप क्या बातें करने लगी हैं, उनकी क्यों बुराई करें? चले हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पता है? निम्रा की कोई तीन अच्छी बातें बताएं, तीन बुरी बातें बताएं। निम्रा की अच्छी बातें, बुरी तो मैं अच्छे से बता दूं। एक मिनट में बाय, थोड़ा सा दूर हो जाओ मेरे, मतलब तुम चुप करो, मैं बताऊं। एक लड़की बहुत है, अच्छा खाती बहुत है, ये मुझे झूठ लग रहा है, वो कह रही है कि वो सिर्फ चावल खाती है। चावल खाती है तो कैसे, जा जा के हमारी टांगे सूख गई है। कि सारा दिन चावल ही खाती रहती है? नहीं, सारा दिन नहीं खाती, हफ्ते में तीन बार खाती है, मोटी हो जाएगी ना। अच्छा, हफ्ते में तीन बार, हफ्ते में तीन बार भी बहुत ज्यादा है। नहीं तो और बुरी बातें बताएं, अच्छी बातें, सॉरी अच्छी बातें तो इसमें कोई भी नहीं है, लेकिन सोच के बताती हूं। इतना जुल्म, इतना जुल्म तो ना करो ना अपनी दोस्त पे। किसी काम में हेल्प कर देती है, केयरिंग बहुत है, बस बहुत है, मुझे हजम नहीं होंगे और। अच्छा तो शुमैला मुझे बताओ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कैसी हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं बहुत अच्छी, फिलहाल तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हुई हूँ कि जल्दी जल्दी पेपर्स हो जाएं, और ये 14 का पेपर है ना इस्लामिक स्टडी का, इसे ड्रॉप करके आगे भेज दूँ। क्यों, इस्लामिक स्टडीज अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन पता है वो ना, मैंने घर जाना है, मेरा घर है दूर स्वाबी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं घर जाऊँ तो दो हफ्ते तो गुजार के, एटलीस्ट एक हफ्ते से क्या बनेगा। नहीं तो दो हफ्ते की छुट्टी नहीं मिलेगी, पेपर है ना फर्स्ट ईयर का फाइनल। अच्छा, नहीं तो पेपर की तैयारी भी कर रहे हो या वैसे ही कह रहे मैं शुगर लगाते रहे तो सारा दिन? आप शुगर ही समझ ले। अच्छा, हॉस्टल की लाइफ जो है ना वो बड़ी मजे की होती है, बहुत ज्यादा, पता है आपको, मैं तकरीबन हम लाइन में ना हमें नजर नहीं आता, तो हम शुरू से ही हॉस्टल में रहते हैं, मैं 1 से लेकर अब 10 तक हॉस्टल में रहे, अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी हॉस्टल में रह के करे, तो पूरा एंजॉय करते रहे, पूरी लाइफ मैंने बहुत एंजॉय किया। चलो ये तो अच्छी बात है, खुश रहो और इसी तरह एंजॉय करो, थैंक यू शुमैला, अपना ख्याल रखना। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स सुन रही हैं, बहुत सारी, हाँ बुशरा, हाजरा, निमरा भी सुन रही है, और मेरी कजन हबीबा सुन रही है, सुमैया सुन रही है, सिस्टर उमामा सुन रही है, मरवा सुन रही है, और सबा भी सुन रही है, और हाँ और भी बहुत स्पेशल लोग सुन रहे हैं, उनका मैं नाम नहीं ले रही अभी। ठीक है, और तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और मेरे पेपर्स के लिए दुआ करना, आप लोगों की दुआओं से हिस्ट्री का पेपर लास्ट पे चला गया, तो अब थोड़ी सी और दुआ कर दे कि ये वाला पेपर भी लास्ट पे चला जाए। चलो बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए, और इसी तरह तेज तेज बोलती रहो आप। मैं ऐसी हूँ, पता है मुझे हाजी बनने का शौक है ना, तो मेरी कजन और फ्रेंड सारी कहती है तुम बन जाओगी, तुम बोलती हो तेज तेज नॉन स्टॉप। चलो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी, शुमैला थी हमारे साथ, और पेपर्स से स्टूडेंट्स सारे भागते हैं कि पेपर्स जो है जल्दी जल्दी हो जाए, और अगर पेपर्स अच्छे हो जाए तो फिर मज़ा और होता है, और अगर नहीं अच्छे हो तो फिर रिजल्ट से हम भागते हैं कि यार रिजल्ट पता नहीं कैसा आएगा। एनीवेज अभी एक ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए मैंने क्यों किया हुआ है, आतिफ असलम की आवाज़ में, और ट्रैक जो मैं प्ले कर रहा हूँ, जी हाँ, ओ साथी रे FM Mono International में एंजॉय कीजिएगा, हम वापस आते इस ट्रैक के बाद। ओ
अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया, बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। ओ साथी इंटरनेशनल में, और आपसे मैं आज पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप कैसे हो और आजकल किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हो। जी कुछ कॉल्स आपकी मैं जल्दी से प्रोग्राम में शामिल करता हूँ 051111111 पर, देखते हैं हमारे साथ कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? हाँ जी, ये जो मैं मुल्तान से निदा बात कर रही हूँ। जी निदा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, आप सुनाए, आप ठीक हैं? जी जी बिल्कुल, मैं ठीक ठाक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो ईद मुबारक। अच्छा, अभी तो 4 दिन पड़े हुए हैं, आप आएंगे ईद पे? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं ना कि प्रॉब्लम सॉल्व जो करनी क्या है, सबसे पहले तो एक जो कुर्बानी का मसला बना हुआ है कि बीमारी फैली हुई है, कह रहे हैं बहुत लोगों ने डराया हुआ है,
कोई कह रहा है गाय न लो, कोई कह रहा है बकरे न लो, कोई कह रहा है ये न करो वो न करो, परेशान किया हुआ है अभी तक कोई डिसाइड नहीं हो रहा। अच्छा, क्या करे क्या न करे, दूसरा बस यही मसले जो है हम सॉल्व करने में लगे हुए, अब देखिए क्या बनते हैं क्या नहीं बनते। बस वो मार्केट में तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि लाजमी नहीं कि ऐसा है, अल्लाह के नाम ले कुर्बानी करनी है। चले हो जाएगा, थैंक यू निदा, आपका ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? अदनान बात कर रहा हूँ, राहुल पिंडी। अदनान फ्रॉम राहुल पिंडी, कैसे अदनान, ठीक ठाक है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं अभी फर्स्ट टाइम आपका ये प्रोग्राम सुन रहा था, ऑन द ड्राइव था, तो बड़ा अच्छा लगा, तो मैं ऐसे दिल गया मैं कॉल करके, और इफ पॉसिबल तो अपनी छोटी पोएट्री शेयर करूँ आपसे। पोएट्री अभी बेसिकली बात कुछ और हो रही है, तो अगर पहले टॉपिक के ऊपर बात कर लें जो बात कर रहे हैं। जी श्योर, आप प्रॉब्लम शायद सॉल्विंग पे बात कर रहे थे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अदनान आप कैसे हैं? या आई एम वेरी गुड, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को टेक ऑन करने में शायद अच्छा हूँ, लोगों को बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करता, बिलीव करता हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर प्रॉब्लम दी है तो उसको हैंडल करने के लिए उसे शायद ज्यादा सख्त दी है। अच्छा, तो नेवर यूज्ड टू टेक प्रेशर फॉर दैट, तो इसलिए थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता हूँ, तो अल्लाह ताला ज्यादा आसानियां कर देते हैं। तो एक फेथ वाली फीलिंग जो है वो शायद आपकी प्रॉब्लम्स को जल्दी हैंडल कर देती है और आपको पुरसकून रखती है। True. तो ये मेरा तरीका कह रहा है, आई होप के बाकी लोग भी इसको अडॉप्ट करें तो ज्यादा अच्छा फील करें। हाँ, लेकिन लेकिन जैसा आप कह रहे हैं ना कि ये वक्त के साथ साथ होता है, मैच्योरिटी लेवल के साथ साथ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे बताएं कि आजकल किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो आप? या आई एम ट्राइंग टू डू सम, सॉरी मैं थोड़ा सा वो मैं उर्दू पर काफी साथ हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब हम कुछ सोशल एक्टिविटीज के, हम लोग सिर्फ इस टाइम जो काम कर रहे हैं उसमें अपनी जात की हद तक महदूद है, अक्सर दोस्तों को मशवरा देता हूँ और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक सोशल कॉज पे काम शुरू किया, हमने इंडिविजुअल सारे बहुत डिफरेंट मॉडल से काम किया, लोगों को उम्र की हद तक लेके जाना है कुछ बच्चों के साथ। अच्छा, रियलाइज किया कि इससे बेहतर तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स, मैं लोगों की हद तक बात बता रहा हूँ, इसको प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करते रहते हैं, तो हमने फिर इसको उस तरह से सॉर्ट आउट किया कि हमने फिर लोगों के लिए जरिया माश बनाने की कोशिश की, के साथ दोस्त मिले 10-12 हुए 50 हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस सोशल नेटवर्क पे काम कर रहे हैं कि हम लोगों को एबल बनाए अपने लिए कुछ अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को खुद जनरेट करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है, हम वी आर वर्किंग ऑन दैट, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला साथ दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें जरिया बनाया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो थैंक यू। अब मुझे बताएं आप पोएट्री कौन सी करना चाह रहे हैं? मैं अपनी लिखी हुई एक छोटी सी पोएम अपने फादर के लिए जो मैंने लिखी थी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, आई हैव दैट मच टाइम, मैं सिर्फ एक छोटी सी पोएम है, कहीं कहीं लोगों को मेरा मैसेज पहुंच सके आपके थ्रू। जरूर जरूर। तो इट वाज लाइक अ ड्रीम, जिसमें मैं अपने फादर से बात कर रहा हूँ, ही डाइड ऑन अ रोड एक्सीडेंट, सो उसके बाद मैं किसी दिन ख्वाब में आया, उनका जवाब दे रहा हूँ उनकी बात का, मुझसे हाल चाल पूछे, तो आई रोट दैट मेरे बाबा मैं अच्छा हूँ, मेरे बाबा मैं अच्छा हूँ, गुज़िश्ता रात मेरे ख्वाब में फिर आप आए थे, फिगर थी आपको कि आपका फर्जंद कैसा है, मेरे बाबा मैं अच्छा हूँ, सदा बाबा बड़ा भी हो गया, मैं पहले की तरह बच्चों से अब जिद भी नहीं करता, मुझे सब याद है कि जिद ने कई बार आपके दिल को दुखाया था, वो साइकिल याद है मुझको जिसे लेने की जिद की, मैं वैसे अब कई साइकिलें खरीद सकता हूँ, मगर अब आपके बिन उसको लेने में मजा कैसा, कहाँ से लाऊं मैं बाबा कि जो हो आपके जैसा, मेरे बाबा मैं अच्छा हूँ। सॉरी, जबरदस्त यार, देयर इज अ स्मॉल पोर्शन है लेकिन शायद वो मेरी फीलिंग्स में मुझे वो सुनाना नहीं आएगा। नहीं, मैं इसको महसूस भी कर रहा था साथ। अल्लाह पाक आपके फादर को जन्नत का आला मुकाम दे, और समटाइम्स जो आपने कहा ना जिद की बात की, तो जिद जो है बेटा बाप से ही कर सकता है,
और बाप की कोशिश होती है कि खास तौर पे बेटे की जिद को लाजमी पूरा करना किसी भी तरह। ऐसे ऐसे तो इट वाज लवली टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो। मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा आप जिस तरह से बात कर रहे थे। कभी ऐसे पार्टिसिपेट नहीं किया बट ऑन द गो थैंक यू सो मच अदनान, अच्छा लगा आपसे बात करके और खुश रहिए और ध्यान से ड्राइव कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वालेकुम सलाम। और वैसे जी अदनान थे हमारे साथ, यकीन करें कि पोइट्री में कम ही सुनता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किया कि अच्छी पोइट्री होगी और वाकई क्या नाम है बहुत अच्छी पोइट्री थी। और ये है कि बस जब पेरेंट्स जो हैं चले जाते हैं तो फिर आप उनको याद करते हो। अभी कल ऐसे ही हुआ, मैं भी अपने फादर को ऐसे मिस कर रहा था तो मैंने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर एक पुरानी पिक्चर थी उनके साथ, मैंने वो लगा दी। और ये है कि वापस तो नहीं आ सकते लेकिन ये है कि आप उनके लिए दुआ कर सकते हो और अच्छी मेमोरीज जो हैं वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। और रे जी कुछ आपके मैसेज में प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है सहर जैदी ने। जिंदगी के साथ तो मसले चलते ही रहते हैं। हाँ ना, जिंदगी में मसले होते भी हैं और हल भी हो जाते हैं, चले भी जाते हैं। जब चले जाते हैं फिर आप कहते हैं ओ मैंने इतना बड़ा मसला सॉल्व कर दिया। अच्छा, सरदार खान हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हो कि माना कि मोहब्बत हार गई अब अच्छा फाइनली वी रीच टू फाइनल डिसीजन दैट वी आर सेपरेटिंग हैप्पीली। दो साल से कंप्रोमाइज करने की कोशिश की मगर हम शादी से पहले ही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका था। हुसैन भाई मुझे कोई दुख नहीं। सरदार खान है रावलपिंडी से। अच्छा, आपको कोई दुख नहीं है तो ये सबसे अच्छी बात है। और जो कुछ भी ज़िंदगी में होता है ना यार, वो उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। हम समझ रहे होते हैं कि यार ये हमारे साथ क्यों हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें बेहतर होता है इसलिए हो जाता है। जिस तरह थोड़ी देर पहले बात की ना, जो भी होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, हमें बाद में पता चलता है इससे हमने सीखा क्या। अच्छा, सोनिया पार्टिसिपेट कर रही हैं आपके लिए, 12:30 से कॉल कर रही हूँ मगर कॉल लगी नहीं है आपकी। इस्लामाबाद से आपने पार्टिसिपेट किया है। फिर इसके अलावा मैसेज है मेरे पास किसका। अच्छा, जरीश राजपूत है। आपने कुछ टेंशन एकदम से आ जाती हैं और पता नहीं लगता क्या करें, अचानक से कुछ हो जाता है। मैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ लेकिन जिस मुसीबत का पहले से पता हो आनी है, कभी ना कभी वो मसला मुझसे सॉल्व नहीं होता। मैं सोचती भी बहुत हूँ। हाँ, कभी कभी होता है कि आप पहले से सोचना शुरू कर देते हो कि यार ये प्रॉब्लम आएगा तो क्या करेंगे। और इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ क्योंकि बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, तो वो जैसे बिल आता है उस टाइम से सोचना शुरू कर देते हैं कि यार बिल कैसे पे करना है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर कुछ मतलब गलत बिल भी आ रहे हैं और उनको करेक्ट कराने की लोग कोशिश कर रहे हैं, तो मतलब 1-1 लाख रुपये बिजली का बिल यार कहने की बात है। लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आते हैं, क्या किया जाए, पैनिक हो जाते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन सोल्यूशन हर चीज़ का होता है और सोल्यूशन जो है आपने बड़े आराम से बैठ के निकालना होता है। आंखें मूंदे तो जाने किसे ढूंढे सोया जाए ना। एनीवेज, आज जस्ट मैंने वैसे ही प्रोग्राम में ये टॉपिक रखा था प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर और मैंने कहा चलो यार इसके ऊपर बात करते हैं। और ये है कि अभी वक्त आ गया आपसे इजाजत लेने का और अभी आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी ईच शोज में। और ये है कि आप मुझे सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हो हसनैन रजा लिख के HSNAN RAZ हसनैन रजा लिख कर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, जहाँ मर्जी सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने सजेशन और फीडबैक जरूर दे सकते हो। अभी लास्ट ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करने जा रहा हूँ मैं अली खान की आवाज में। सो अब देर जरा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। हसनैन रजा इज साइनिंग ऑफ नाउ। Take care, Allah Hafiz. Faasle nahi honge darmiyan, pyar mein yun hi jhoomega.
क्या हुआ सनम कहो तो जरा, देखो तो जरा कहती क्या घटा, सोचा था सनम कहो तो जरा।